धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार को निवेदन करता हूं कि अहमदाबाद एवं गुजरात में के अन्य शहरों में दिल्ली और मुंबई के तहत सस्ती सीएनजी गैस उपलब्ध करवाया जाए। अहमदाबाद और गुजरात और अन्य शहरों में गुजरात के जो 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 बाहर से गैस मंगवाती है वो बहुत महंगी पड़ती है आयाती गैस, इसकी वजह से उसको सस्ती गैस मुहैया करानी जानी चाहिए। सभापति जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि गुजरात सरकार गैस सब्सिडी के रूप में केंद्र सरकार के करीबन रुपया 660 करोड़ रुपये के रुपये बचत करने में सहयोग देती है। गुजरात सरकार ने पाइपलाइन के जरिए करीबन 8.7 लाख घरों में गैस मुहैया करवाया है। इसी वजह से उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर लेने नहीं पड़ते हैं। इस हिसाब से केंद्रीय गैस कंपनियों के 21,356 सिलेंडर में सब्सिडी में बचत होती है, जो कुल मिलाकर रुपया 281 करोड़ रुपये की बचत होती है। इसी तरह गुजरात सरकार ने समग्र राज्य में 242 सीएनजी आउटलेट के तहत करीबन 2,60,000 वाहनों को सीएनजी गैस उपलब्ध करवाती है। इसी तरह पेट्रोल एवं डीजल में सब्सिडी में रुपया 380 करोड़ की बचत में राज्य सरकार केंद्र सरकार को सहयोग देती है। इसी तरह गुजरात सरकार के सकारात्मक प्रयत्नों से केंद्र सरकार को करीबन रुपया 660 करोड़ रुपये की सब्सिडी के रूप में बचत करवाती है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार को सरकार से मांग करता हूं कि अहमदाबाद एवं गुजरात के अन्य शहरों में दिल्ली और मुंबई की तरह एपीएन के तहत सस्ता सीएनजी गैस उपलब्ध करवाया जाए। धन्यवाद सभापति।